10,000 12,000 14,000 पर सुपर मीडियोर के क्लच प्लेट जा रहे हैं, तो यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। इसकी क्लच प्लेट का कॉस्ट पता है कितना हो सकता है? और भैया कह रहे हैं 16,000 पे चेन स्प्रॉकेट, वो चेन क्या क्लच प्लेट भी खत्म। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे चेन स्प्रॉकेट का क्या अपडेट है, तो आ रही की तरफ से भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो एंड आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर मीटियोर की थर्ड सर्विस के बारे में, क्या कॉस्टिंग आती है, क्या क्या चीज़ें चेंज होती है, कितना पैसा लगता है और क्या क्या चीज़ें नहीं करवानी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो इन टोटल दोस्तों अगर मैं सर्विस की कॉस्ट की बात करूँ तो 4,092 रुपये मुझे लगे हैं एंड बिल आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। बाकी आपको एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ कि भाई सर्विस का पूरा कॉस्ट क्या है, ठीक है, कितने हज़ार किलोमीटर पर ये सर्विस होती है और भी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे मिलती है बहुत सारी मोटिवेशन ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों सबसे मेन जो चीज़ है वो है कि भाई जो सर्विस है वो होती है दोस्तों इसकी 10,000 किलोमीटर पर, राइट। पहली जो सर्विस होती है वो होती है 500 किलोमीटर पर, उसके बाद जो होती है 5,000 किलोमीटर पर जो उसका ऑयल टॉपअप वगैरह होता है, जनरल चेकअप होता है, और थर्ड सर्विस जो है जिसमें आपका ऑयल पूरा चेंज हुआ होता है वो होता है आपकी थर्ड सर्विस में। और उसी के साथ साथ इसके साथ जो चेंज होता है वो होता है इसका ऑयल, ठीक है। सबसे पहले आपका जो होता है ऑयल जो है वो चेंज होता है दोस्तों, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। एंड दोस्तों जो मेन पैसा लगता है ना आपका वो सिर्फ इंजन ऑयल का ही लगता है, तो 2,000 समथिंग आपको इंजन ऑयल डलता है इसके अंदर, ठीक है, जो कि आरी की ब्रांड का ही होता है। एंड बिल आपके साइड में चला होगा ताकि आपको एग्जैक्ट अमाउंट दिख जाए। तो इंजन ऑयल फर्स्ट सर्विस पे होता है जो कि 500 किलोमीटर पे होती है, और सेकंड सर्विस पे ऑयल जस्ट टॉप अप होता है, और थर्ड सर्विस पे है जो दोबारा से ऑयल चेंज होता है। उसी के साथ साथ दोस्तों जो इसके टैपेट होते हैं वो एडजस्ट होते हैं, एंड जो इसके अंदर गैस्केट होती है ताकि लीकेज वगैरह ना हो वो डलती है, राइट। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर डलता है एयर फिल्टर, राइट। तो तीन जो है ना मेजर चीज़ें जो हुई है वो बस तीन ही हुई है, ऑयल डला है, एयर फिल्टर चेंज हुआ है और गैस्केट डली है और चेन ल्यूब हुई है बस, जो कि होती है नॉर्मली। और कॉस्ट जो आया है 4,092 रुपये, जैसे कि आपको बिल दिख जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे चेन स्प्रॉकेट का क्या अपडेट है, तो आ रही की तरफ से भाई अभी कोई भी अपडेट नहीं है चेन स्प्रॉकेट का, एज इट इज़ ही है। बट यस, काफ़ी सारे अल्टरनेटिव आए हैं, जैसे कि शॉटगन वगैरह के भी चेन स्प्रॉकेट इसके अंदर लग जाएंगे, वो हम आपको करके दिखाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे पता चली है इस बाइक के साथ कि भाई पहली चीज़ तो ये है, बहुत सारे लोगों को ब्रेक पैड का इशू आ रहा है। तो ब्रेक पैड का दोस्तों मैंने कोई ऐसा इशू फेस नहीं करा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई ब्रेक पैड का क्या, ब्रेक पैड का ऐसा सच कोई मुझे इशू फील नहीं हुआ है दोस्तों। 5,000 से 6,000 किलोमीटर या 7,000 किलोमीटर पर आपके ब्रेक पैड चेंज होते हैं, जो कि नॉर्मल है, और वो भी डिपेंड करता है दोस्तों आप कैसे चलाते हैं। उसी के साथ साथ ये हो रहा है कि भाई जो क्लच प्लेट है ना दोस्तों लोगों के, नॉट लोगों के, बाइक्स के एक्चुअली, तो 10,000 15,000 14,000 पर किलोमीटर पर जो है क्लच प्लेट जो है सुपर मीटियोर के फुक रहे हैं, मतलब ये 10,000 किलोमीटर पर इसका क्लच प्लेट फुक जाएगा, ऐसा होता है क्या? और भैया कह रहे हैं 16,000 पे चेन स्प्रॉकेट, वो चेन क्या क्लच प्लेट भी खत्म। तो भैया कह रहे हैं 10,000 12,000 14,000 पर सुपर मीटियोर के क्लच प्लेट जा रहे हैं, तो यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। खैर आई थिंक हम सही चला रहे हैं, क्योंकि हमारी बाइक 10,000 किलोमीटर चली है और अभी तक उसमें कोई दिक्कत नहीं आया। बाय गॉड ग्रेस 5-6 सुपर मीटियोर में डाल चुके हैं भाई ये क्लच प्लेट। इसकी क्लच प्लेट का कॉस्ट पता है आपको कितना हो सकता है? गैस करो एंड फिर बताते हैं आपको क्या हो सकता है इसकी क्लच प्लेट का कॉस्ट। प्लेट की कॉस्ट कितने की आती है? क्लच प्लेट कॉस्ट भैया, आप क्लच प्लेट देगा तो क्या ही खर्चा है, फिर तो 3,000 हो जाएगा। क्लच प्लेट 3,000 में डल जाती है? अच्छा, अच्छा 3200 के इंटरसेप्टर की, तो 10,000 की दिखाते रॉयल एनफील्ड की। असेंबली है ना, असेंबली जो नहीं डालता हूं मैं। ओके, बस क्लच प्लेट वगैरह, हमारी क्लच प्लेट खराब है, इसलिए उन्होंने असेंबली खराब की, असेंबली बहुत चलती है 40-50। तो क्लच प्लेट की पूरी असेंबली जो आती है ना दोस्तों वो आती है 10,000 समथिंग की। भैया क्लच प्लेट डालते हैं तो 3500 में क्लच प्लेट वगैरह आपकी डल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आप कैसे चलाते हो इस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन दोस्तों ऐसा मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है लोगों के साथ। देखो क्लच प्लेट, ब्रेक्स वगैरह ये जो होते हैं ना वेयर एंड टेयर के पार्ट दोस्तों, ये कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से राइड करते हैं। अब दोस्तों मैं अगर अपनी बाइक दिखाऊं, भाई थोड़ी सी गंदी है, प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है। तो ये मेरी लगभग चल गई है 9,940 किलोमीटर, राइट। तो अप्रॉक्स 10,000 किलोमीटर ये चल चुकी है, ठीक है। और क्लच प्लेट नो इशू भाई, मेरे को कोई इशू नहीं आया, बाइक ऑसम पिकअप है। तो भाई ऑनेस्टली ना मुझे ब्रेक पैड का कोई इशू लग रहा है इसके अंदर, ना मुझे क्लच प्लेट का लग रहा है, क्योंकि यार ये ना वेयर एंड टेयर वाले पार्ट है। और मैंने तो भाई लद्दाख भी करा है पिलियन के साथ, ठीक है, और हाई एल्टीट्यूड पे ही होता है, पूरी पावर लगती है बाइक की, तो भाई अगर घिसने होते तो वहीं घिस जाते, अभी तक क्यों जिंदा रहते, राइट। तो
एंड आई डोंट थिंक सो जिन लोगों के घिसे हैं अभी तक और जिनको बदलना पड़ा है वो लद्दाख करा था उन्होंने सिटी में आई थिंक घिस दिया हो, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे दोस्तों जब बाइक पावर नहीं देती ना उस टाइम ज़्यादा इंजन की पावर लगती है और आप ज़्यादा एक्सेलरेट करते हो, क्लच भी कुछ लोग होते हैं हाफ क्लच पर बाइक चला देते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उस चक्कर में ना आपके बाइक के क्लच प्लेट घिस जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यार ये बहुत चलने वाले हैं और टच वुड अभी तक बिल्कुल बढ़िया चल रही है। चेन स्प्रॉकेट का शो देखो उसका दोस्तों कुछ नहीं कर सकते अभी फिलहाल, कोई अपडेट नहीं है, बाकी 10 से 14,000 किलोमीटर चल जाता है तो ठीक है भाई, 10 से 14,000 किलोमीटर बाइक भी तो अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस भी तो देती है बहुत बढ़िया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर। एंड ऑनेस्टली बताऊँ दोस्तों मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उस बाइक से, क्योंकि यार ये बाइक जिस खर्चे पर चलती है और जैसी ये परफॉर्मेंस देती है बहुत ही तगड़ी बाइक है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है, तो 10/10 है भाई मेरे हिसाब से तो। एंड अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ लीजिए, बहुत सारे अपडेट हम देते रहते हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।